जहां पूरे देश भर में छठ के महापर्व की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दिल्ली में भी इसकी रौनक देखने को मिल रही है। सभी पूर्वांचल लोग बहुत ही उत्साह के साथ छठ को मनाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सभी राजनीति पार्टी के नेता अलग अलग छठ घाटों पर जाकर दौरा कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा हमें उत्तम नगर के वार्ड 25S मोहन गार्डन में देखने को मिला, जहाँ पर क्षेत्रीय निगम पार्षद श्याम मिश्रा लगातार 2 दिन से अपने वार्ड के सभी छठ घाटों का दौरा किया और सभी लोगों से बातचीत करते हुए जानने की कोशिश की कि उनको घाट पर किसी चीज की कमी तो नहीं पड़ रही। घाट पर मौजूद तमाम लोगों ने अपने पार्षद श्याम मिश्रा का धन्यवाद किया, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से घाट को बनवाने में अपना योगदान दिया। हमने श्याम मिश्रा के साथ जाकर सभी छठ घाटों पर अलग अलग लोगों से बातचीत की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अभी तक पहले हमारे यहाँ 13 घाट हुआ करता था, जिसमें 5 हमारे पक्के घाट हैं, बने हुए हैं, और 8 हम नए बनवाते थे। इस बार क्या है कि 15 हो रहे हैं, इस बार हमारे 2 और बढ़ गए, तो 10 और जो है घाट हम खुदवा रहे हैं। जिसमें कल आपने कई जगह आप मेरे साथ दौरा किए थे, 5 जगह कल हुआ है और आज 3 जगह अभी हो चुका है, 8 हो गया है अभी, और अभी 9वां जगह पर अभी हम खड़े हैं, और इसी तरीक़ा से अभी आज और कल और चलेगा खुदाई। तो हम अपने जहाँ जहाँ हमारा कूड़ा पड़ा है कूड़ा हटवा रहा हूँ, जहाँ साफ़ सफाई की जरूरत है सफाई करवा रहा हूँ, जहाँ गड्ढा खुदवाना है गड्ढा खुदवा रहा हूँ, और जहाँ पर हमारा कहीं स्ट्रीट लाइट की कमी है वहाँ स्ट्रीट लाइट भी लगवा रहा हूँ। तो हमारे तरफ से कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और खुद मैं पूर्वांचल से हूँ इसलिए छठ की माता को जानता हूँ, और हमारे सभी छठ के यहाँ जो करने वाले लोग हैं आपके सामने खड़े हैं, आप इन लोगों से भी बैठ लीजिएगा। छठी मैया की जय। नहीं, बिल्कुल थके नहीं है, माता रानी छठ माता इतना आशीर्वाद दे रखा है कि जैसे कि इन लोगों ने बताया कि पहले कुछ नहीं थे, एक समाज सेवा करते थे, तब भी हमारे में वही जोश था वही लगन था, और आज तो पार्षद बनाए इन सब के, इन लोगों ने, हमारा व्यवस्थापक है यहाँ इस छठ घाट के, विनय जी, मंटू जी, राम कुमार जी, शंकर जी, तोता राम जी, और सभी लोग यहाँ पर हमारे छठ घाट के व्यवस्थापक हैं, और इन लोगों को यही गाइडलाइन मिला है कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है, तो कोरोना महामारी का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही ये लोग यहाँ पर छठ पूजा करेंगे सोशल डिस्टेंस से, और हम सभी लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं खुद छठ पूजा करती हूँ, ये लोग हमारे परिवार के मेम्बर हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। देखिए, अभी तो जो हमारे कौंसलर साहब हैं, इससे पहले नहीं थे तब भी इनका काफ़ी यहाँ योगदान था, और अभी तो है, पहले से इन्होंने 20 साल से हम लोग का पूजा कर रहे हैं, और 20 साल से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही सारा होगा, यहाँ टेंट भी नहीं लगाना है, जैसे जो सिस्टम जो बना हुआ है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। बहुत बड़ा सहयोग है इनका, श्री श्याम मिश्रा जी का, ये जब और सुधा मिश्रा जी का, ये जब नहीं थे कुछ भी पार्षद नहीं थे, जब समाज सेवा करते थे उस टाइम से हम लोगों को मदद करते हुए आए हैं, अभी भी मदद करते हैं। पूजा में इनके गाइडलाइन उन्होंने जो बताया उसी हिसाब से हम लोग पूजा कर रहे हैं। इन लोगों का सहयोग हर तरह से है, पानी से लेकर गड्ढा खुदाने तक, गड्ढा भरवाने तक, सारे सैनिटाइजर और मास्क का इन्होंने बोले हैं कि हम अपनी तरफ से व्यवस्था करवा देंगे, आप लोग खुशी खुशी मनाइए छठ पर, बिकॉज ये पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, इन लोगों से हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है, घर जैसा संबंध है, इसलिए।